आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ आए दिन घटनाएं घट रही है। मध्य प्रदेश सहित जिला टीकमगढ़ में पत्रकारों के साथ भूमाफिया, शराब माफिया और पुलिस अभद्रता कर रही है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो निष्पक्ष प्रशासन को जागरूक करने का कार्य करता है, लेकिन निष्पक्षता ही प्रशासन को खलल बनाता है, इससे डहाने की कोशिश की जा रही है। आए दिन जिले में पत्रकारों के साथ जनप्रतिनिधियों के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए जाते हैं और जो भी पत्रकार प्रशासन जनप्रतिनिधियों का पर्दाफाश करता है उसे अंजाम भुगतना पड़ता है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांत अध्यक्ष शलभ भदौरिया ने हमेशा पत्रकारों के हित में लड़ाई लड़ी है और उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए हमेशा मांग की है। अभी हाल ही में 31 मार्च को अमरकंटक में हुए 22वें दो दिवसीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में गिरीश गौतम अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सुरक्षा कानून बनाने की मांग की गई थी, जिसमें गौतम ने पूरा आश्वासन दिया था। हाल ही में जिला सीधी में पत्रकारों को विधायक के सार पर अर्धनग्न कर सारी रात थाने के लॉकअप में रखा गया। जिला टीकमगढ़ अंतर्गत ग्राम बुदौर में शराब माफियाओं ने रविवार को पत्रकारों पर हमला कर घायल किया। इससे बस ज्यादा पत्रकारों का अपमान और क्या हो सकता है। आज प्रशासन को जगाने की आवश्यकता है। टीकमगढ़ से दिनेश कुमार रायकवार की रिपोर्ट। बहुत मारू हमें पत्रकार है, राजधानी ब्यूटी और बुंदेली चुगली के ब्यूरो चीफ हमारी चेयर छोड़ा ले गए, 5-6 तोला की गाड़ी बिठा डाली और चाली की बात छोड़ा लेगी, कपड़ा फटा दे, बहुत मारू रास्ता में गाड़ी में मार रहा है, हमें मारू, इनसे भी गलत बोला था, इन्हें छोड़ी आए इन्हें भी मारू। आपको कहाँ छोड़ा उन लोगों ने? हमें इतने पटक गया था लाए थे हमारे सामने से, तो कहाँ ले गए थे आप? कछु नहीं, रास्ता में मारा था, चेन छोड़ा ली, दो मोबाइल छोड़ा ले, एक और एक बहुत 3 मोबाइल है, 2 मोबाइल छुड़ा लेगा, एक मोबाइल पता नहीं जाके देखेगा, और मारो पुलिस वाले केस बना देंगे, हमें तुम जानते नहीं हो, बोले हम पत्रकारों के बाप है, बुलाना ने गाना बहुत मारा। इसमें संरक्षण किसका है? क्या पता, जे पता नहीं है, बहुत मारा हमें। किसी राजनीतिक नेता का है क्या? अब जे हमें पता है, बहुत मारा हमने, बताई भी भैया हम पत्रकार आदमी है, खबर बनाई, हम खबर रोक भी देते हैं आपकी, हमारे बहुत मारा। एक वहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा था कि वहाँ पे एक रविदास मंदिर है, उसके पास में एक दारू की दुकान जो कि अवैध रूप से चल रही है, तो हम लोग जैसे ही वहाँ पे 5 लोग पहुँचे, पत्रकार हमारे साथ वहाँ पर थे, डीपी राजपूत भी थे, परशुराम जी थे और भूपेन जी भी थे, तो हम लोगों ने जैसे ही वहाँ पर पहुँच कर वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के 500 मीटर की दूरी पर जब हम गए तो वहाँ से 2 गाड़ियों से भरकर कम से कम 15 से 20 लड़के निकले, उन लोगों ने ताबड़तोड़ हमारी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंकने के बाद लाठी डंडों से प्रहार किया, फिर इसके बाद रूपे उसको बाहर निकालने के बाद बेदर्दी से पीट कर तुरंत के तुरंत गाड़ी में डालकर अपनी और वहां से चले गए। चल जाने के बाद फिर हम लोगों ने अधीक्षक साहब को बताया तो इनने फ़ोन लगाया तो वहां से पुलिस आई तो हम लोगों ने ग्रामीण वहीं पर जाके लाइव वीडियो बनाया, ग्रामीण क्षेत्र के सारे लोग देख रहे थे इस घटना को, उन लोगों ने उस पर कबूल किया कि हाँ इन लोगों के साथ बेदर्दी से मारपीट हुई है और बहुत ही बड़ी घटना थी, ये बहुत निंदनीय घटना थी। इसके साथ हम लोग जैसे ही थाने पहुंचे तो वहाँ पे रूपेश भाई के मोबाइल और चेन और ब्रेसलेट भी था, तो उन लोगों ने छीन के, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ से मोबाइल और PI के साहब के पास मोबाइल और गाड़ी की चाबी बरामद हुई। अब यह घटना इस प्रकार से बहुत निंदनीय घटना है। जो आपने अभी ज्ञापन दिया है इसमें जो आपने उल्लेखित किए हैं उसकी हम विधिवत शिकायत से जांच करवाएंगे और जो भी साक्ष्य होंगे उनका विधिवत बिंदुवार जो है जाँच करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हम करेंगे। सर इसमें एक मुख्य आरोपी है जो वीडियो में सामने बिल्कुल हम उसमें सारे तथ्य जो आपने उसमें उल्लेखित किए हैं वहाँ जो है और छोटे होंगे तो उनको भी हम जो अकॉर्डिंगली कलेक्ट करेंगे और उसमें जाँच करके पूरी कार्रवाई करेंगे।